Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. Before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. Last video we studied about typecasting in Python, and today's topic is string changing case. So topic se aapko zahir ho raha hoga ki string changing case. To iska matlab kya hai? Ki aaj hum ek string ka case change karenge. Suppose usko upper mein, lower mein ya title case mein isko change karte hain. कैसे चेंज करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि स्ट्रिंग, वैसे तो स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है. वो जितनी भी वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं, वो हम जैसे कि लिस्ट ले रहे होते थे या यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवाते थे, वो स्ट्रिंग की शक्ल में होती है पाइथन में. तो वैसे तो पाइथन में जब स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं तो सिंगल कोट में या डबल कोट में हम उसको डिफाइन करते हैं. तो पाइथन में हर चीज़ जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है, और स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट होते हैं. तो इस पर हम बहुत सारे फंक्शन अप्लाई करेंगे और कोडिंग में हम देखेंगे कि इसमें लिख देता हूँ, मैं टॉपिक दे देता हूँ स्ट्रिंग चेंजिंग केस. फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, आप इसको मैं कॉपी करके नीचे भी यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं. तो मैं बात क्या कर रहा था कि मैं कह रहा था कि स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास एक डेटा टाइप होती है. हम यूज़र से इनपुट भी लेते थे तो वो स्ट्रिंग की शक्ल में हमें देता है. वैसे स्ट्रिंग को हम डबल कोट में, हमने देखा होगा सिंगल कोट में स्ट्रिंग को आप डिफाइन करते थे. तो इस पर बहुत सारे फंक्शन भी अप्लाई हम करेंगे आज के स्ट्रिंग में फंक्शन, इनको अप्लाई करके हम कैसे इसकी केस चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अपर केस, लोअर केस या टाइटल केस हम इसका यूज़ करेंगे, और कोई स्ट्रिंग हम यूज़र से लेंगे तो उसका केस चेंज करेंगे. तो देखते हैं कि कोडिंग में हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, और ये चेंजिंग क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये कब इसकी ज़रूरत होती है. तो ज़रूरत ये होती है कि जब भी हम किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं तो या डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या होता है कि जैसे कोई आपके सामने यूज़र में आ जाता है, डू यू एग्री का आपके पास एक मैसेज आता है, तो आप वहाँ पे यस कर लिखते हो या नो लिखते हो, तो वहाँ पे आपको टाइटल केस देना हो या अपर केस देना हो, लोअर केस देना, तो ये आपको देना होता है. तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत होती है इनकी. तो आइए कोडिंग के ज़रिए देखते हैं कि हम इसका केस चेंज किस तरह करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि सिंपल आप स्ट्रिंग ले लो. आप देख रहे हैं कि डबल कोट में मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आई एम स्ट्रिंग, यहाँ पे आपने ले लिया. अब मैं इसकी टाइप चेंज करूँगा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं. मैं इसकी टाइप देखता हूँ. यहाँ पे आप इसकी टाइप लिखो, चेक करो कि ये इसकी टाइप क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टाइप स्ट्रिंग है. ये तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रिंग है. अब मैं क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे अगर आप क्या करना चाहते हो कि स्ट्रिंग भी मैंने शो करवा दी, अब आप इस पर फंक्शन अप्लाई करो. सपोज़ कि मैं इस पे अपर फंक्शन अप्लाई करूँगा, लोअर करूँगा और एक टाइटल अप्लाई करूँगा. अपर फंक्शन आप किस तरह इस पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपने वेरिएबल नेम वेरिएबल ले लिया, उसमें आपने पाकिस्तान लिख देना है या कोई भी कंट्री लिख दें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पे अप्लाई कर दें. मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर, अगर नीचे अब मैं इस पर क्या करूँगा फंक्शन अप्लाई करूँगा, अपर का फंक्शन अप्लाई कर दिया मैंने, तो अब क्या करेगा कि इसको जो मैंने नेम वेरिएबल में पाकिस्तान दिया है, इसको अपर केस में लिखता है कि नहीं देखते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल में हमें मिल गए. तो ये हमने अपर अप्लाई कर दिया. अब आप अगर लोअर केस अप्लाई करना चाहते हैं इसी नेम पर, तो आप क्या करें, लोअर वो ये आपने अप्लाई कर दिया. अभी आप देखें कि आपको सारे स्मॉल उसमें मिल गए, फिर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बड़े लगा के, या आए आप इसका बड़ा कर दें, फिर भी आपको ये यही देगा. आप यहाँ पे चेक करें, ये लोअर केस में आपको यहाँ पे शो करवा दिया. आप इधर जितने भी कोई कैपिटल रखें स्मॉल लें, लेकिन आपने फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर दिया लोअर का, और आपको ये लोअर केस में मिल गया. उसके बाद हम तीसरा जो फंक्शन लगाएंगे इस पे टाइटल का. टाइटल फंक्शन क्या करते हैं गाइस, इसके टाइटल फंक्शन जो होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है कैपिटल होता है,
और स्मॉल होते हैं उसके। तो आप क्या करें कि आप इसमें नेम दें और यहाँ पे आप कोडिंग लिखते हैं, सो सी आप छोटा लिख दें इसमें। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम आपने नेम और इसमें आपने डॉट लगा के टाइटल का फंक्शन लिख दें, ये आपने कर दिया। तो अभी आप देखें आपको कोडिंग में सी इसका कैपिटल मिल गया। तो आप इसमें इस तरह भी चेक करें, यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी आपको सिर्फ सी का जो कैपिटल हमारे पास सी वर्ड है ये कैपिटल में शो हुआ और सारे हमारे पास स्मॉल शो हो रहे हैं। तो ये थे अपर केस में हमने किया, लोअर केस में किया और हमने टाइटल को टाइटल दिया इसको। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग चेंजिंग केस इन पाइथन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आगे वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।